I am so excited because I finally found something in Bolivia that I can make again and again and again every Sunday. भाई संडे को कभी ना कभी वो डीप फ्राइड खा के कुछ चीट करने का मन होता है ना. दिस इज द परफेक्ट चीट दैट यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. और रेसिपी तो साहब इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि बताने की भी जरूरत नहीं. जाता हूं मैं, आई एम किडिंग, बताता हूं मैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सम फ्लावर, थोड़ी शक्कर, अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, एक अंडा, दूध, एंड वी एड सम ईस्ट. बस अगर देसी भाषा में कहें तो वो सब कुछ है जो एक भटूरे के डो में होता है. अंडा हमने और ऐड कर दिया है और डो जो हम बनाएंगे वो भी बहुत लूज डो बनाएंगे, बहुत टाइट डो नहीं बनेगा. एंड द ट्रिक हियर इज टू कीप द डो लूज. नाइस, ज्यादा नहीं खेलेंगे इसको, हम छोड़ देंगे फर्मेंट करने के लिए. वी लीव इट टू फर्मेंट. इफ यू वॉन्ट यू कैन स्प्रिंकल अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल ऑन टॉप ऑफ दिस. रिमेंबर द डो हैज टू बी स्टिकी. इसको एक घंटे के लिए छोड़ते हैं एंड आफ्टर नाउ वी गोइंग टू टेक इट आउट एंड देन मेक सम बुनियेलोज. बुनियेलोज यानी कि फ्राइड बंस, क्वाइट क्लोज टू अ स्वीट भटूरा. आई विल शो यू. थोड़ा सब्र रखते हैं. एक कप पानी में तीन पीस स्टार एनीस हमने बॉईल किया है, गैस बंद की है. एंड दैट फ्लेवर्ड वाटर इज व्हाट वी गोइंग टू पुट इन द डो. और वो जो फ्लेवर है उसी से बुनियेलोज बुनियेलोज बनते हैं. देखिए कुछ इस तरह से डो बन जाएगा. इसको छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए थोड़ी देर और, लगभग 5 मिनट, ताकि ये राइज हो जाए नेचुरली. द ऑयल इज रेडी. आई विल पुट वन मोर स्टार एनीस इन द ऑयल जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर. और अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फैला लेते हैं. भटूरे की याद आई, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको भटूरे की याद जरूर आएगी. दुनिया गोल है कहीं ना कहीं. We use the same techniques and we are fascinated by the same flavors. इसमें तीन छेद जैसे यहाँ पर हैं वैसे छेद होते हैं. और इसको हम स्प्रेड कर देते हैं. कोई पर्टिकुलर शेप नहीं देनी. ट्रेडिशनली ये एक तार पे या एक स्टिक पे टंगे होते हैं सड़क के किनारे, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मुस्कुराते हुए. Nice. Sometimes indulgence is good, and when the indulgence is worth it, it's definitely good. Looking at this, the indulgence is worth it. Aur best part pata hai kya hai? Best part hai wo star anise ki khushbu. Kya baat hai? Let's turn the gas off. Aur iske upar hum halki si chasni dalte hain. Which is orange juice and sugar syrup cooked together. But the trick is to have it hot. अगर गर्म नहीं होगी तो उसके अंदर सोक नहीं होगी, और अगर सोक नहीं होगी तो अंदर फ्लेवर नहीं आएगा, और फ्लेवर नहीं आएगा तो आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं. देखिए ट्रेडिशनली क्या होता है ना, बुनियेलोज शॉप्स पे सिनेमन शुगर मिलती है, जिसमें बार बार हम सिनेमन शुगर में डिप करके बुनियेलोज को खाते हैं. तो लोग लाइन लगा लेते हैं वहां पर एंड दे टेक दैट सिनेमन शुगर. ये सिनेमन शुगर लेके लोग लाइन लगा लेते हैं और वहां पर इंतजार करते हैं कि हमारा बुनियेलो कब आएगा. देखिए हमने सिनेमन शुगर ले लिया, अब बुनियेलो चाहिए. कुछ ऐसे जैसे हम पत्तल लेके और चाट की दुकान पे लाइन लगा लेते हैं और कहते हैं पत्तल तो हमारा हो गया, अब बस चाट डाल दीजिए. हियर गो आवर बुनियेलोस. हियर गोज द सिनेमन पाउडर. लुक एट दीस. कुछ रेसिपीज के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनको ओवर सोफिस्टिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ रेसिपीज बनती हैं सीधी दिल से और ये ऐसी रेसिपी है जो बनी है सीधी दिल से. डोंट सोफिस्टिकेट इट, जस्ट ईट इट. पर हाँ, रीकैप जरूर देख लीजिएगा. मुझे बुनियेलो खत्म करने, भाई मेरा संडे आज.
बोलिवियन बुनुएलोस बनाने की विधि। बोल में फ्लोर, शुगर, अंडे, दूध और यीस्ट को डालकर लूज डो बना लें। डो को एक घंटे के लिए फर्मेंट होने दें। डो को छोटे पेड़ों में डिवाइड करके पेड़े को फ्लैट करें और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। पैन में तेल गरम करके स्टार अनीस डालें ताकि उसका फ्लेवर बुनुएलोस में आ जाए। फ्लैटेंड बुनुएलो को हथेली पर रखकर 3 कैविटी बनाएं और डीप फ्राई करें। फ्राइड बुनुएलोस पर ऑरेंज शुगर सिरप डालें। बुनुएलोस पर सिनेमन और पाउडर्ड शुगर स्प्रिंकल करें। बोलिवियन बुनुएलोस तैयार है।